शैलेन चोपड़ा जी, आपने भी कहा है कि फिल्म बैन होना चाहिए, फिर लोगों का क्या होगा? और एक तरीका होना चाहिए ना, एक सेंसर बोर्ड है ना जो अपना काम करता है, लेकिन उससे आगे भावनाएं आहत हुई हैं, इसलिए होना चाहिए। पहले तो मैं जानना चाहती हूँ जिन जिन को प्रॉब्लम है इस फिल्म से, कि प्रॉब्लम है क्या? शैलेन जी आपके साथ शुरू करें, उसके बाद अनावा कर। अंजना जी नमस्कार। नमस्कार अंजना जी, मेरा केवल एक ही प्रश्न है पठान के मेकर से, दुनिया के तमाम रंगों में से बेशर्म रंग के लिए उन्हें केसरिया रंग भाया, ऐसा क्यों? इस दूषित मानसिकता के बारे में क्या कहा जाए? नासिर जी इसका जवाब देना चाह रहे हैं। उन्हें कोई और रंग नहीं मिला? ठीक है, मैं आ रही हूँ एक सेकंड, लेकिन उससे पहले अनामिका जी, क्या प्रॉब्लम क्या है? मतलब उसमें कई कपड़े उन्होंने पहने हैं ना, कि एक एक ही रंग को लेकर आप लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, क्यों? देखिए, मैं इन पंक्तियों से शुरुआत करती हूँ। हाँ। इस बात का उत्तर भी मिलेगा और मेरी बात भी पूरी होगी कि हिंसा के संग असहजता का थोड़ा सा मिक्सचर डालो, थिरक उठे जिन पर नई पीढ़ी, ऐसा म्यूजिक भर डालो और फिर ऐसी एक बात उड़ाओ जो कौतूहल उपजाए, मूवी को हिट करना हो तो उसे विवादित कर डालो। आजकल ये एक फंडा चल गया है कि किसी भी मूवी को यदि आपको हिट करना है तो उसे विवादित कर दीजिए, उसे पब्लिसिटी के लिए उसमें कोई ना कोई ऐसी कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट कर दीजिए। इसमें भी यही किया इसमें है। क्या कॉन्ट्रोवर्सी? मैं वही आ रही हूँ। 30 सेकंड में एक अभिनेता, एक निर्देशक, एक निर्माता अपनी पूरी बात कह देने की का पारंगत रखता है, अपने आप को सक्षम रखता है, वो पारंगत होता है, अपनी बात पूरी कह देता है। एक विज्ञापन में आप पूरी कहानी समझ जाते हैं। ठीक है, यहां पर भी यही हुआ है कि उस विवाद को बाहर लाने के लिए आपने दो तीन चीजें ऐसी चुनी है जिससे कि पूरे देश में विवाद हो और वहां पर कुछ धार्मिक आस्थाओं को चोट पहुंचे। पहला आपने वो रंग चुना है, बहुत सारे रंगों में इसमें तो दूसरे गया है, लिबास में दिखने ना ब्लैक और बहुत सारे, बिल्कुल बहुत सारे रंगों में फिल्माया गया है, लेकिन इस रंग पर इस बात को बाहर लाने के लिए अभी तो फिल्म रिलीज भी नहीं हुई, अभी तो आप बहुत सारी और भी चीजें फिल्म जब रिलीज होगी तब देखेंगे, गाना भी पूरा तब देखेंगे, लेकिन उसमें से निकाल करके हिस्सा क्या लेकर के आए जिससे पूरे देश में आग लगे, वो निकाल करके लेकर के आए केसरिया रंग, ये भगवा रंग और बेशरम रंग, ये गाना, ये दो चीजें निकाल करके लाए। दो बातें होती हैं, या तो आप भीड़ का हिस्सा बन जाइए अपने आप को प्रसिद्ध करने के लिए, या फिर कोई ना कोई विवाद पैदा कर दीजिए। यहां पर वही विवाद किया गया है और मैं कहती हूं कि कुछ मानक यहां पर तय किए जाने होंगे, जो चाहे उस विवाद के लिए आपको अपनी संस्कृति को ही भेंट क्यों ना चढ़ा देना पड़े, तो ये तो सही नहीं है ना। आपको कोई इस तरह का विवाद लेना ही नहीं चाहिए ना, है ना, सेंसर बोर्ड को पता लगना चाहिए था, तो यही यही कर रहा है वो, उनको क्यों नहीं कर रहा है? बिल्कुल यही बात हम सेंसर बोर्ड से भी, यही देखिए अति हर चीज की होती है, बार 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 एक ही एक बात को, हिंदू धार्मिक आस्था को या किसी भी धर्म की आस्था को बार बार यदि चोट पहुंचाई जाएगी और जब अति हो जाएगी तो कहीं ना कहीं जाकर के तो फूटेगी ही ना। अब सेंसर बोर्ड तक भी वो बात जाएगी ही ना, और सब लोग जब इस बात के लिए कह रहे हैं उनकी आस्था को, पिछले दिनों डॉक्यूमेंट्री एक फिल्म आई थी जिसमें काली को सिगरेट पीते हुए दिखाया, यदि इन बातों पर आवाज नहीं उठेगी तो कैसे मानक तय होंगे, किस प्रकार से इस बात को बचाया जाए, किस प्रकार से हम अपनी संस्कृति को बचाने के लिए एक कदम भी आगे बढ़ाएंगे। मैं इसलिए ऑरेंज कलर का बिकिनी पहनना यदि हिंदू धर्म का अपमान है, बिल्कुल नहीं, ऑरेंज कलर का बिकिनी पहनना उसके साथ ये जोड़ देना कि बेशरम रंग, ये आप इसको बिल्कुल बदल दीजिए ना, आप किसी और रंग को लेकर के आइए और फिर उसमें आप ये जोड़ दीजिए बेशरम रंग। मैं कहती हूँ कोई और मानेगा क्या? फिर कोई विवाद पैदा नहीं होगा क्या? किसी और के धर्म को चोट नहीं, आस्था को चोट नहीं पहुंचेगी? बिल्कुल पहुंचेगी।